दोस्तों मुझे आप लोगों के काफी ज्यादा क्वेश्चंस मिल रहे थे कल्ट फिटनेस ऐप को लेकर, साथ ही साथ कल्ट फिटनेस को कैसे ज्वाइन करना है, क्या उसका प्रोसीजर होता है और किनको उसे ज्वाइन करना चाहिए, किनको उसे ज्वाइन नहीं करना चाहिए, कौन से बेनिफिट हैं जो आपको मिल सकते हैं कल्ट फिटनेस ऐप को ज्वाइन करने के बाद, आप उसको एक्सेस कैसे कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे आप लोगों के इंस्टाग्राम पे मिले हैं। तो दोस्तों आज की ये वीडियो उसी पे होने वाली है। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कल्ट फिटनेस ऐप की कि कैसे आपको उसका एक्सेस लेना चाहिए और किन लोगों को उसे ज्वाइन करना चाहिए और किन लोगों को उसे अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों अगर आप भी कल्ट फिटनेस को ज्वाइन करने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर एंड तक देख लें ताकि आपको सारा कुछ पता चल सके कि आपको कल्ट फिटनेस ज्वाइन करना चाहिए या नहीं, या फिर वो एक पूरी तरह से पैसा बर्बादी है। दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ हेल्दी अपडेट्स के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। सारे के सारे लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों करते हैं वीडियो को शुरू। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं कल्ट फिटनेस क्या है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट फिटनेस ग्रुप है, एक चेन है जो इंडिया में है और आपको ये 10+ सिटीज में देखने को मिल जाती है, लाइक मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, आपको जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं उसमें इसके सेंटर्स देखने को मिल जाते हैं जहां पे आपको ऐप के थ्रू एक्सेस करना होता है। हालांकि आप इस फिटनेस ऐप को ज्वाइन करने के बाद इसके जितने भी सेंटर्स हैं उनमें एक्सेस पा सकते हैं, आपको चार्जेस देने पड़ते हैं इनके एक्सेस पाने के लिए। और वंस आप इनकी एक्सेस ले लेते हैं, इनकी मेंबरशिप ले लेते हैं, तो आप कंटिन्यू कल्ट फिटनेस सेंटर्स में जाकर अपने वर्कआउट्स को कर सकते हैं। आप ऑल ओवर इंडिया किसी भी सिटी में हो, किसी भी सेंटर में हो, आप वहां पे जाके वर्कआउट कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले आपको मेंबरशिप लेनी होती है। वंस आपने मेंबरशिप ले ली तो उसके बाद आपकी सिटी के अंदर जो भी कल्ट फिटनेस सेंटर है वहां पे जाके आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं और आपको इसमें डिफरेंट वर्कआउट सेशंस देखने को मिलते हैं, आप उन्हें ज्वाइन करके अपने वर्कआउट्स को कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि आपको कैसे एक्सेस करना है कल्ट फिटनेस को। तो दोस्तों यहाँ पे कल्ट फिटनेस को एक्सेस करने के लिए आपको इसका ऐप को डाउनलोड करना होता है, आपको साइन इन करके अकाउंट अपना क्रिएट करना होता है, जस्ट आपको इसका पास एक्सेस करना होता है, इसकी मेंबरशिप ज्वाइन करनी होती है। लेकिन आपको इसमें फ्री ट्रायल भी देखने को मिल जाता है, आप चाहें तो फ्री ट्रायल ले सकते हैं। अगर आपकी सिटी के अंदर कल्ट फिटनेस सेंटर है तो वहां पे जाके आप आसानी से फ्री ट्रायल ले सकते हैं, लेकिन जरूर ये देख लें कि आपकी सिटी के अंदर कल्ट फिटनेस सेंटर है या नहीं। अगर आपकी सिटी के अंदर कल्ट फिटनेस है तो आप जरूर वहां पे जाके सबसे पहले फ्री ट्रायल लीजिए। यहाँ पे आपको मेंबरशिप नहीं ज्वाइन करनी चाहिए शुरुआत में, पहले आपको एक फ्री ट्रायल जरूर लेनी चाहिए, भले ही आपका एम वेट लॉस हो या फिर आपको अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना हो, स्टेमिना को बढ़ाना हो, तब भी आपको सबसे पहले फ्री ट्रायल ही लेना चाहिए ताकि आपको पता चल सके कि इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, जो आपके सिटी के अंदर जो कल्ट फिटनेस सेंटर है उसमें जो आपको सारी की सारी चीज़ें अवेलेबल है या नहीं है। तो इस चीज़ का ध्यान रखने के लिए आप एक बार ज़रूर इसका फ्री ट्रायल ले लीजिए। दोस्तों बेसिकली कल्ट फिटनेस के अंदर आपको ज़्यादातर बॉडी वर्कआउट्स ही देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपको इसमें एचआरएक्स देखने को मिलेगा, साथ ही साथ आपको बॉडी वर्कआउट्स देखने को मिलेंगे, योगा देखने को मिलेगा, बॉक्सिंग देखने को मिलेगा, डांस फिटनेस देखने को मिलेगा, इस टाइप के वर्कआउट्स आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। रेदर देन आप अगर मसल ग्रोथ करना चाहते हैं, जिम करना चाहते हैं, तो उस टाइप के वर्कआउट्स आपको इसमें ज़्यादा नहीं देखने को मिलेंगे, वेट लिफ्टिंग लाइक। आप अगर प्रेफरेंस देते हैं बॉडी वर्कआउट्स को ज़्यादा और आपको अपने स्टेमिना को बिल्ड करना है, एंड्योरेंस को बिल्ड करना है, तो कल्ट फिटनेस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सुटेबल हो सकता है, क्योंकि जो इसके ट्रेनर्स होते हैं वो आपको ज़्यादातर बॉडी वर्कआउट्स ही सिखाएंगे। साथ ही साथ कुछ आपको इसमें मेडिटेशन सेशंस भी देखने को मिल जाते हैं जिन्हें आप ज्वाइन कर सकते हैं। बॉक्सिंग भी कोई वैसी बॉक्सिंग नहीं है जैसी आप सोच रहे हैं, वो बेसिकली एक तरह का वर्कआउट ही है जिसे बॉक्सिंग कहा जाता है, जो इनके प्रोग्राम्स के अंदर आपको मेंशन देखने को मिल जाता है। तो अगर आप ये सोच के जा रहे हैं कि वहां पे आपको किक बॉक्सिंग या कोई ऐसी बॉक्सिंग सिखाई जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बेसिकली अगर आपका एम यहाँ पे वेट लॉस है या फिर आपको अपनी एंड्योरेंस या स्टेमिना को बढ़ाना है, तो कल्ट फिटनेस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सुटेबल हो सकता है। दोस्तों कल्ट फिटनेस के जो वर्कआउट्स हैं उसमें ऐसे वर्कआउट्स को डिज़ाइन किया गया है कि वो आपके मल्टीपल स्पेसिफिक गोल्स को अचीव करने में हेल्प करें, लाइक आपके फुल बॉडी वर्कआउट्स में ये हेल्प करते हैं जिससे आपका वेट लॉस होता है, आपका एंड्योरेंस बढ़ता है, आपका स्टेमिना बढ़ता है।
तो ये जो वर्कआउट्स वहां पे आपको सिखाते हैं तो उसके अंदर आपके फुल बॉडी का यूज होता है, ना ही आपको वहां पे डंबल ज्यादा उठाने हैं, ना ही आपको कुछ वेट लिफ्टिंग वहां पे सिखाई जाती है। बेसिकली वहां पे आपको फुल बॉडी वर्कआउट डिफरेंट सेशंस के अंदर आपको डिफरेंट जो ट्रेनर्स हैं, डिफरेंट टाइप के जो प्रोग्राम्स हैं इनके, उसके अंदर सारी की सारी बॉडी वर्कआउट से आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको योगा भी देखने को मिलेगा, मेडिटेशन भी देखने को मिलेगा, HRX वर्कआउट देखने को मिलेंगे, आपके स्टेमिना को बिल्ड करने के लिए वर्कआउट देखने को मिलेंगे। आपको ऐसा कोई भी वेट वगैरह नहीं उठाना है इनके प्रोग्राम्स के अंदर, बेसिकली ये सारे के सारे बॉडी वर्कआउट्स ही कराते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं, बहुत सारे इनके फिटनेस सेंटर हैं जहाँ पे आपको जिम भी देखने को मिलता है, जिसके अंदर आपको वेट्स देखने को मिलते हैं। अगर आप चाहें तो वहाँ पे जाके वर्कआउट्स कर सकते हैं, जिम कर सकते हैं। लेकिन जो आप सोच रहे हैं कि आपको बहुत सारी मशीन देखने को मिलेगी, जैसा कि आपको जिम में देखने को मिलता है, जिस टाइप के आपको इक्विपमेंट्स जिम में देखने को मिलते हैं, तो वैसा ना तो आपको इक्विपमेंट्स देखने को मिलेंगे। हाँ, लेकिन इक्विपमेंट्स हैं, लेकिन उस टाइप के नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं कि जिम के अंदर जिस टाइप के इक्विपमेंट्स होते हैं उस टाइप के आपको नहीं देखने को मिलेंगे। आपको ये डिसअपॉइंट हो सकते हैं आप वहां पे जाके कि हमें उतने सारे इक्विपमेंट्स नहीं मिले वर्कआउट्स करने के लिए, लेकिन जो एक डिसेंट इक्विपमेंट्स होते हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे, जिससे आप चाहें तो वहां पे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं। लेकिन जिस टाइप का आप सोच रहे हैं कि जिम के अंदर जो एम्बियंस होता है, जिस टाइप का माहौल होता है, या फिर जिस टाइप से लोग वेट उठा रहे होते हैं, और वेट पे ही बेसिकली सबका एम वेट उठा के मसल गेन करना ही होता है, तो वहां पे ऐसा नहीं है। वहां पे बेसिकली जो लोग जाते हैं उनका मेन एम होता है वेट लॉस करना, एंड्योरेंस को बढ़ाना, स्टेमिना को बढ़ाना। तो अगर आप कर्ल्ड फिटनेस ज्वाइन करने वाले हैं या फिर करने की सोच रहे हैं, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दें कि आपको अगर वेट ट्रेनिंग करनी है तो आपको डिसअपॉइंटमेंट वहां पे झेलना पड़ सकता है। यहां पे मेरा एक सजेशन रहेगा कि जब भी आप ज्वाइन करने वाले हैं उनका फ्री ट्रायल जरूर लें। अगर आपका एम फुलफिल हो रहा है तो आप कर्ल्ड फिटनेस को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप स्पेसिफिक जा रहे हैं मसल गेन के लिए, आपको अपनी बॉडी का साइज बढ़ाना है या फिर आपको मसल्स को गेन करना है, तो कर्ल्ड फिटनेस आपके लिए नहीं है, आपको ज्वाइन नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि आप एक बार जरूर ट्रायल लीजिए किसको ज्वाइन करना चाहिए और किसको ज्वाइन नहीं करना चाहिए कर्ल फिटनेस। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि कर्ल फिटनेस बेसिकली वेट लॉस, एंड्योरेंस को बढ़ाने के लिए, स्टेमिना को बढ़ाने के लिए ही एक ऐसा सेंटर है जिसमें आपको डिफरेंट टाइप के वर्कआउट्स देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आपको ज़्यादातर बॉडी वर्कआउट्स ही देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आपका एम ऐसा है कि आपको मसल को ग्रो करना है, आपको अपनी बॉडी बनानी है, बॉडी बिल्डिंग करनी है, या फिर आप चाहते हैं कि आपको ऐसा जिम मिले जहाँ पे आपको खूब सारे वेट्स देखने को मिले, खूब सारे इक्विपमेंट्स देखने को मिले और आपको जिम ट्रेनर हेल्प करें, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इससे अच्छा अगर आप जिम ज्वाइन करना चाहते हैं तो एनी टाइम फिटनेस ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें आपको काफी अच्छे ट्रेनर्स भी देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ आपको काफी अच्छा गाइडेंस भी उसमें देखने को मिलेगा, और आपको जितने भी सारे इक्विपमेंट्स चाहिए सारे के सारे एनी टाइम फिटनेस में आपको देखने को मिल जाते हैं। कर्ल फिटनेस बेसिकली वेट लॉस, फैट लॉस, एंड्योरेंस और स्टेमिना को बिल्ड करने के लिए ही बना हुआ है। इसमें आपको डिफरेंट टाइप के बॉडी वर्कआउट्स ही सिखाए जाते हैं, योगा सिखाए जाते हैं। तो अगर आपका एम मसल गेन करना है तो आपको कर्ल फिटनेस ज्वाइन नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आपका एम वेट लॉस है, आपको योगा सीखना है, आपको अपने स्टेमिना को बिल्ड करना है, आपको अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, तो आपको जरूर कर्ल फिटनेस ज्वाइन करना चाहिए। तो दोस्तों ये थी वीडियो कर्ल फिटनेस पे, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपकी जो भी क्वेरीज थी पूरी हो चुकी होगी इस वीडियो के अंदर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस करना ना भूलें। तो दोस्तों करते हैं वीडियो को यहीं पे वाइंड अप, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज़।